वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 6, सब्जेक्ट हिंदी, डे 4। टुडे आवर टॉपिक इज बाल राम कथा। आवर नॉन डिटेल बुक बाल राम कथा, 6th सीबीएसई, वसंत भाग 1, बाल राम कथा। नॉन डिटेल टू बुक्स आर देयर, सो आई एम टीचिंग टुडे बाल राम कथा। बाल राम कथा, राम के बारे में और बचपन में इनकी कहानी मैं आपसे बताना चाहता हूं। चलो, अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम। देखिए बच्चों, अवधपुरी में राम जो पहला पाठ हम आपको इंट्रोड्यूस जो किया है वही अवधपुरी में राम। चलो कहानी आगे चलेंगे। वह कथा अवध की है। कहाँ की है ये कथा? अवध की है। अवध की किसकी कहानी है ये? राम, राम की कहानी। और बहुत पुरानी है, एंशियंट स्टोरी। इट इज वेरी एंशियंट स्टोरी। अवध में सरयू नदी है। सरयू, सरयू नदी के, अवध में सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर, एक अति सुंदर नगर था। सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर, अति सुंदर, एक अति सुंदर नगर था। सुंदर नगर था, एक अति सुंदर नगर था, वही अयोध्या। अयोध्या सही अर्थ में दर्शनीय देखने लायक है। अयोध्या नगर देखने लायक, बहुत सुंदर, सुंदर में भी अति सुंदर लग रहा था। अयोध्या नगर कहाँ रहता था? सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर रहता था। देखने लायक वो भव्य लगा, और जैसे उसके दूसरा नाम हो, अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। देखिए, यह अयोध्या में केवल राजमहल ही देखने लायक नहीं, और गांव पूरा पूरा देखने लायक होता था। उसको एक एक इमारत आलीशान थी, एक एक इमारत, एक एक बिल्डिंग को देखने के लिए आलीशान थी, बहुत बहुत सुंदर थे। आम लोगों के घर भव्य थे, आम दूसरे दूसरे या जहाँ पे जिस विलेज में जिस गांव में रहते हैं पूरे लोगों का धाम घर देखने लायक था। सड़कें चौड़ी थी, सड़कें मतलब सड़कें, सड़कें मतलब रोड्स, बहुत बहुत चौड़े चौड़े रोड्स होते थे। सुंदर बाग बगीचे, बहुत बहुत सुंदर बाग बगीचे, गार्डन्स होते थे बहुत बहुत। पानी से लबालब भरे होते थे, बहुत से पानी से तालाब भर कर रहते थे। खेतों में नहर थी, हरियाली कहाँ भी देखेंगे, हरियाली से भरा हुआ था। हाँ, फसलें सदियों पहले साथ खेलते थे। अयोध्या हर तरह से उत्पन्न नगर थे, संपन्न कोने अंदर आने भी खोले भी सभी साथी, सब समृद्ध दुख और विपत्ता को अयोध्या का पता नहीं मालूम। देखिए, चौड़े चौड़े सड़क रहते थे, बहुत से हरियाली रहती थी, शानदार इमारत थे, बिल्डिंग्स होते थे, कितना सुंदर खुश से भरा हुआ था। उसे एक होना ही था, वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वही रहते थे। कौन रहते थे यहाँ पे? दशरथ महाराज, दशरथ महाराज रहते थे। ये दशरथ महाराज कौन है बच्चों? राम के पिता है। राम के पिता दशरथ महाराज थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम?
राजा दशरथ कुशल योद्धा थे, बहुत अच्छे राजपालन करते थे और न्यायप्रिय शासक थे। तो न्याय से, जो किसका बुरा होता है, जिसका गलती होती है, उनको न्याय से सलाह देते हैं और दंडित होता है उनके साथ। महाराज अज के पुत्र थे। महाराज किन का पुत्र थे? अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज हैं। कौन से वंश के हैं? रघु वंश के थे। रीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार होती थी, मर्यादा होता था, सबके सब यहाँ पे इस राज्य में होने चाहता। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं होती थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था। देखिए, किसी चीज का कम नहीं था, खुशी का कम नहीं था, लेकिन उनको एक की कम होने लगी। क्या है? दुख। दुख होते थे, बहुत दुख होते थे। छोटा दुख नहीं, मन के एक कोने में छिपा हुआ था। उनके मन में एक दुख छिपा हुआ था, सैड, छोटा सा मन में कोने में छिपा था। वह रह रह कर उभर आता, उन्हें संभालता रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं था। देखिए, दशरथ महाराज को संतान नहीं थे, कोई भी संतान नहीं थे। उभर आता था बढ़ती हुई उनकी, देखिए उनके रानियों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। उसमें संभालना रहता था, कोई संतान नहीं था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके तीन रानियां होते थे। किसको? दशरथ महाराज के तीन रानियां होते थे। थ्री वाइफ्स आते हैं। किसको? दशरथ महाराज को तीन रानियां होते थे। जो पहले वाले होते थे, कौशल्या, और दूसरी होती है सुमित्रा, और तीसरी होती है कैकेयी। देखो बच्चों, अवधपुरी में राम, इस कहानी दशरथ महाराज के बारे में होती थी। यह सरयू नदी के किनारे अति सुंदर भवन होता था, अति सुंदर नगर होता था। यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं होती थी। इस राज्य में सरयू नदी के जो राज्य होता है, वही सरयू नदी के जो राज्य होता है, इस राज्य में एक महाराज रहते थे। कौन है वो महाराज? दशरथ महाराज थे। किनके पुत्र थे? अज के पुत्र थे। यह किस वंश के थे? दशरथ महाराज रघुवंश के थे। इनका वंश क्या था? दशरथ महाराज का रघुवंश के थे। लेकिन इनकी महल में, इनके गांव में बहुत बहुत सड़कें, सुंदर सुंदर सड़कें, आलीशान बहुत सुंदर भवन होते थे, और जहां भी देखे वहां हरियाली रहती थी, सबके सब खुश रहते थे। लेकिन दशरथ महाराज के दिल में एक दुख था, वही संतान। दशरथ महाराज को संतान, बच्चे नहीं थे। दशरथ महाराज को बच्चे नहीं थे, उसी कारण दशरथ महाराज बहुत दुखित होते थे। चलो, दशरथ महाराज तीन रानियां होते हैं। दशरथ महाराज को कितने रानियां होते थे? तीन होते थे। दशरथ महाराज के तीन पत्नियां होते थे, तीन धर्म पत्नियां
होते थे, जो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों इनके पत्नियां होते थे। चलो, बहुत सोच विचार महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि किसको, वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि किसे चर्चा की, किसे वशिष्ठ मुनि से किन्होंने चर्चा की है, दशरथ महाराज ने, किसके बारे में, संतान के बारे में, संतान के बारे में दशरथ महाराज ने वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, नगुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई, मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, उन्होंने पुत्रोष्टि यज्ञ, उन्होंने किस यज्ञ बनाया, पुत्रोष्टि, पुत्रोष्टि यज्ञ बनवाए, करवाए, किनसे करवाए, दशरथ महाराज से वशिष्ठ मुनि ने पुत्रोष्टि यज्ञ करवाए। यज्ञ महान तपस्वी ऋषभृंग से देखभाल हुई, पूरा नगर उसकी तैयारी लगा हुआ, यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनी हुई, कहां हुई, सरयू नदी के किनारे यज्ञ भरा हुआ था, उनके राजाओं के निमित्त किया था, तमाम ऋषि मुनि पधारे, शंख ध्वनि और पत्रोक्ति के बीच एक एक कर सबने आहुति डाल, अंतिम आहुत राज दशरथ के भी यज्ञ पूरा हुआ, बहुत जोरदार से, बहुत जोर से यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी, यहाँ के बहुत बहुत महान लोग थे, महा महा मुनिवर्य आए थे, महाराज आए थे, बड़े बड़े राजगण आए थे, सब सब यज्ञ के लिए आए थे, यज्ञ पूरा हुआ, आखिर में यज्ञ पूरा हो गया, किस यज्ञ ने पूरा हुआ, पुत्रोष्टि यज्ञ किसने करवाया, वशिष्ठ मुनि ने करवाया, वशिष्ठ मुनि ने किनसे किया, दशरथ महाराज से यज्ञ किया, देवता, देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिए, देवगण, देवता लोग, गॉड्स, गॉडेस आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग दिए, समय बाद दशरथ को इच्छा पूरी हुई, तीन रानियां पुत्रवती हुए, उनके तीन रानियां, दशरथ महाराज के तीन रानियां, कौन कौन, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, पूरे पत्नियों को दशरथ महाराज के साथ पुत्र हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, राम को जन्म दिया, कौशल्या ने राम को जन्म दिए, और सुमित्रा सुमित्रा ने दो पुत्र हुए, सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए थे, और कैकेयी के लिए भरत, कैकेयी भरत, कैकेयी भरत हो चुके थे। देखिए बच्चों यहाँ पे अवधपुरी के बारे में हम जानकारी मिली हुई है, इस अवधपुरी में बाल राम कथा के बारे में बात कर रहे थे, बाल राम कथा में मुख्य विशेष से हम दशरथ महाराज के बारे में बताएंगे, दशरथ महाराज को तीन पत्नियां होते हैं, कौन कौन तीन पत्नियां होते हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी होते हैं, इन तीनों को बच्चे ना होने के कारण दशरथ महाराज बहुत दुखित होते थे, इस कारण वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज से पुत्रोष्टि यज्ञ किया था, पुत्रोष्टि
यज्ञ किया था। यह यज्ञ सरयू नदी के किनारे किया था और यज्ञ के बाद कौशल्या राम को जन्म दिए और सुमित्रा लक्ष्मण को जन्म और शत्रुघ्न कैकेयी भरत को, ये तीनों जन्म दिए थे। ये तो दशरथ महाराज की शुरुआत होती है और यहाँ से हम राम कथा के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों थैंक यू वेरी मच।